السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अब नसारा की बात यह कि अल्लाह ताला ने कहीं उनको ईसाई नहीं कहा, और उनका भी ये नाम जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत बाद जाए के उन्होंने अपने आप को ईसाई कहना शुरू किया, वरना वो अपने आप को नसारा ही कहते थे। और उसकी वजह एक तो यही है कि मन अंसारी इल्लाह, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार। और भी कई वजूहात इस नाम के लिए बताई जाती हैं, लेकिन मेरा तो इसी पे दिल मुतमईन होता है। लकद कफर अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम वक़ाल अल-मसीह या बनी इस्राईल अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार। यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही है, हालांकि मसीह ने खुद ये कहा था कि ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की अबदियत इख्तियार करो जो मेरा रब है और तुम्हारा भी, और जिसने भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नम है, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। फिर आगे फरमाते हैं लकद कफर अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का एक है, वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहु वाहिद, हालांकि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, एक इलाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व इल्लम यंतहू अम्मा यकूलूना लयमस्सन्ना अल्लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। अब अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज ना आए तो इनमें से जिस जिसने कुफर किया है उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। अफला यतूबून इलल्लाह वयस्तगफिरूना, फिर क्या ये लोग अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे और उससे इस्तगफार नहीं मांगेंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम। मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल, मसीह इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल थे। قد خلت من قبله الرسل, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजरे। वह उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी वालिदा सिद्दीका थी। काना याकुलान तुआम, वो दोनों खाना खाते थे। उन्जुर कैफ नुबय्यिन लहुमुल आयात सुम्मा उन्जुर अन्ना युफकून, देखो हम किस तरह उनके सामने हकीकत की निशानियां वाजे करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे फिरे जाते हैं। अब ये नसारा के जो ख्यालात थे उन पर तबसरा है। नसारा के मुख्तलिफ ग्रोहों के मुख्तलिफ रहे हैं ख्यालात, उनमें से तीन बड़े नुमाया हैं। एक तो ये कि उनका ख्याल है कि मसीह इब्ने मरियम अल्लाह ही हैं, इन्होंने खुदाई में शरीक कर दिया, एक ग्रोह का ये ख्याल है। दूसरे ने उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया और वो उनको बेटा ही समझते हैं, और एक ग्रोह जो है वो ट्रिनिटी का जो कायल है, और यही गालिब ग्रोह है आजकल। तो उन्होंने कहा कि तीन है अल्लाह, जो है वो तीन में एक और एक में तीन, यानी एक अजीब ये मुबहम सा ये जो है उनका अकीदा। तो अल्लाह ताला इन तीनों की जो है ना वो इनकार कर रहे हैं और उसकी वजाहत कर रहे हैं कि इलाह जो है वो सिर्फ अल्लाह है रब्बुल आलमीन, और खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल को ये कहते रहे कि एक उस अल्लाह ही की अबदियत इख्तियार करो जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब, यानी उनकी रुबूबियत का अल्लाह के यानी अल्लाह ताला की रुबूबियत का इस बात की, और उसके उनके बारे में यानी ना सिर्फ अल्लाह ताला की रुबूबियत यानी कामिल रुबूबियत कि मेरे भी रब है तुम्हारा भी, और अपनी कामिल अबदियत का भी इजहार कर दिया। यानी जब उन्होंने तमाम लोगों से ये कहा, ये मुतालबा किया कि वो सिर्फ अल्लाह ही की अबदियत इख्तियार करें, तो अपने भी मुकम्मल अबदियत का इजहार कर दिया कि मैं भी उन्हीं का बंदा हूँ रब्बी, मैं भी सब कुछ उन्हीं से ले रहा हूँ, वो मेरे भी रब है, कि जो कुछ मुझे अता हुआ है वो अल्लाह ही की तरफ से। और उन्होंने कभी इस बात की नहीं,
कभी ये बात नहीं की कि भाई यानी अगर कोई मौजज़ा भी दिखाए तो उन्होंने कभी उसे अपना कारनामा नहीं बनाया, अपना कारनामा नहीं दिखाया, बल्कि यही कहा कि ये अल्लाह ही के हुक्म से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, और मुझे अल्लाह के जो मुझे अल्लाह ताला देते हैं मैं वैसा ही करता। तो इसी चीज की अब यहाँ पर ना सिर्फ ये कि तनकीर की गई बल्कि फिर फरमाया जाता है कि वैसे वो इलाह हो कैसे सकते हैं जबकि वो और उनकी वालिदा दोनों खाना खाते थे। अब यहाँ पे वालिदा मोहतरमा की जो बहुत ही खूबसूरत सिफ्त बयान फरमाई गई है वो सिद्दीका, और सिद्दीकियत ये अभी हम सूरह निसा में पढ़ चुके हैं कि जो चार किस्म के लोग जिनका जिक्र है कि वो उन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया, उनमें अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद जिसका जिस सिफ्त का तज़किरा है या सिफ्त से मुत्तसिफ अफराद का तज़किरा है वो सिद्दीकीन है। और यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में सिद्दीका का फरमाया जा रहा है, तो यानी ये उस अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज खाती है। और इनकी मजीद जो है सूरह तहरीम में भी उनका जिक्र आया कि मतलब जिन दो खवातीन का जिक्र आया कि वो बहुत ही बुलंद मर्तबा खवातीन हैं, उनमें से एक ये है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में हमें ये इतला दी कि वो जन्नत की सरदार खवातीन में से होंगी, वो उम्मुहु सिद्दीका, यानी ना सिर्फ ये कि वो हमेशा सच बोलने वाली थी, सच की तस्दीक करने वाली थी, मतलब उन पर अगर कोई इल्जाम तराशी करता है तो उस हर इल्जाम से पाक है। सिद्दीकियत ये होती है कि हक सामने आ जाए तो वो इंसान को अपने दिल की आवाज लगे और वो फौरन उसकी तस्दीक करे। अब उन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है काना या अकुलान ताम, वो दोनों खाना खाते थे। अब खाना खाना जो है ये इंसान की एक बुनियादी जरूरत भी है और एक कमजोरी भी है कि खाने के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते, खाने के बगैर एक जोफ तारी हो जाता है, तो बहुत सारी कमजोरी हमारे ऊपर लाहक हो जाती है। फिर खाने के साथ और बहुत सारे मुतल्लिकात हैं, खाने का निजाम इन्हिजाम है, फिर सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है सारा उस खाने के साथ ही मुतल्लिक है। तो ये तो एक बड़ी कमजोरी है मतलब इंसान की कि उसके बगैर वो रह ही नहीं सकता। तो खाने की वजह से ही सारे यहाँ पे देखें खेतियां हैं, बाजार है, और इन चीजों को यानी एक बुनियादी इंसान की जरूरत है, जबकि अल्लाह ताला इन कमजोरियों से पाक है, हर तरह की कमजोरी से अल्लाह पाक है। तो वो कैसे यानी ऐसी इतनी बड़ी कमजोरी से रखने वाला इंसान जो है वो कैसे माबूद हो सकता है, उलूहियत उसको कैसे हासिल हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने मिसाल दी उलूहियत की नफी की, और उसी को फरमाते हैं कि देखो ना उन्जुर कई फनुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुमन्जुर अन्ना युफकून, देखो तो सही हम किस तरह इनके सामने हकीकत की यानी सही निशानियां जो है वो वाजे करते हैं, फिर भी ये उल्टे फिरे जाते हैं फिरे जा रहे हैं। कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाह इनसे पूछिए, यहाँ पे जब कुल होता है तो एक तरह का होता है कि आप इनसे सवाल कीजिए, इनसे पूछिए कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी अबदियत इख्तियार करते हो जो ना तुम्हारे लिए नुकसान का इख्तियार रखता है और ना नफा का, हालांकि सब की सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला तो अल्लाह ही है। अब इस लिहाज से भी देखिए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी किसी नफा नुकसान के मालिक तो नहीं थे इंसानों के लिए, तो मतलब अगर देखा जाए तो वो तो अपने आप को भी अगर यानी जो उनके साथ उलूहियत का अकीदा रखते हैं वो तो मतलब खुद कहते हैं कि उन्हें सलीब दी गई, यानी जो साहिब यानी जो हस्ती अपने आप को एक नुकसान से ना बचा सके वो दूसरों को कौन से नुकसान से बचा सके। बहरहाल मुख्तलिफ दलाइल हैं जो कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ औकात में कुरान में दिए हैं। कुल या अहलल किताब ला तगलू फी दीनकुम गैर अल्हक वला यत्तबिउ अहवा कौमिन कद ज़ल्लू मिन क़ब्ल व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवा इस्सबील, आप कह दीजिए कि ऐ अहले किताब अपने दीन में ना हक गुल्फ ना करो और ना उन लोगों के तखय्युलात की पैरवी करो
जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुत बहुत सारों को गुमराह किया और सवा सबील से भटक गए। ये गुल्व फी दीन का मतलब होता है कि दीन में कमी बेशी करना, ला तगलू फी दीन को गैर अलहक। गैर अलहक ये है कि दीन में किसी ऐसी चीज को दाखिल करना, काम करने को कहना जो अल्लाह ने नहीं कहा, या किसी ऐसी बुराई को रवाज दे देना जिसे अल्लाह ने मना किया। ये इफरात और तफरीक, अब चाहे वो बंदा अकीदत में करे वो भी गलत है, और अगर अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए करे तो वो भी गलत है। मसलन अल्लाह ताला खुद उनकी जो गिनवाते हैं कि उन्होंने यहूद जो है वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, और नसारा जो है उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात की। फिर यहूद ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पे झूठी तोहमत लगाई, और नसारा ने हजरत मरियम को भी उलूहियत में शरीक ठहरा दिया। तो ये मुख्तलिफ जो है वो अकीदे, यानी ये तो अकीदे में गुल्व है ना, इसी तरह अमल में गुल्व हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें दाखिल कर लेते हैं दीन में कि ये करना इससे ये सवाब है और इसका वो सवाब, और बहुत सारी जिनको अल्लाह ताला ने रोका हुआ है कि भाई ये काम ना करो उसको रवाज दे डालते हैं और समझते हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खुद ये फरमाया, यानी ये रवायत जो है सही बुखारी की है और सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आपने ये फरमाया कि मेरी शान बयान करने में हद से ना बढ़ना, जैसे ईसाई लोग हजरत ईसा की तारीफ में हद से बढ़ गए। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, लिहाजा तुम मुझे भी अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहो। फकूलू अब्दुल्लाह व रसूलहु, यानी मैं इसके सिवा कुछ नहीं। इसी तरह एक और मौके पर फरमाया, इय्याकुम वल गुलुव फिद्दीन फइन्नमा हलका मन काना क़ब्लकुम बिल गुलुव फिद्दीन। दीन में गुल्फ करने से बचो, तुमसे पहले के लोग गुल्फ फिद्दीन की वजह से ही हिलाक और बर्बाद हुए। तो ये अब हम सब के लिए ये एक रहनुमा बुनियादी हिदायत है, और ये सिर्फ अहले किताब के लिए ही नहीं है बल्कि हमारे लिए भी यही बात। ये इंसानों को तो बस पता नहीं कि नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का मर्तबा नबी से बढ़ाएं, ये भी एक फितरी सी एक चीज है जो इंसानों में आई हुई है, और इस बारे में भी मुहतात रवैया जो है वो रखना चाहिए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब इन सारी जो उनकी गलतियां और उनके अकायद और अमल की कोताहियां हैं उनका जो जिक्र है उसके बाद फरमाते हैं कि इनकी वजह से लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा बिन मरियम। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की उन पर दाऊद और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की जुबान से लानत की गई, क्योंकि वो सरकश हो गए थे और ज्यादतियां करने लगे थे। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदू कानू ला यतनाहौना अम मुनकरिन फालू लबे इसमा कानू यफलू। अच्छा, अब ये क्यों उनके अंदर ये चीज आई थी, क्यों वो सरकश हुए और क्यों ज्यादतियां करने लग गए, और उनकी आम रवेश जो थी, गालिब रवेश जो थी, वो सरकशी और ज्यादती की हो गई, जुल्म की हो गई। उसकी बुनियादी वजह जो अल्लाह ताला जिसकी तरफ निशानदेही फरमा रहे हैं वो ये है कि ला यतनाहौना मुनकरिन फालू, कि उन्होंने एक दूसरे को बुरे अफाल के इर्तकाब से रोकना छोड़ दिया था। लबे समाकानु या फलू, बहुत बुरा तर्ज अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया। अब ये थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं कि इसका मतलब नहीं अनिल मुनकर कोई इतनी बड़ी बात है कि वो मुआशरे में कमजोर हो तो इस इतने बुरे नतायज होते हैं कि खराबी जो है वो बढ़ती चली जाती है, हत्ता कि जुल्म व तअदी जो है उस मुआशरे पर गालिब आ जाती है
और उस जुल्म तादी के गालिब आने की वजह से बहुत सारी दूसरी सारी खराबियां पैदा होती चली जाती हैं, और ना सिर्फ फिर वो अफराद बल्कि पूरी कौम जो है एक अल्लाह ताला की लानत की मुस्तहिक हो जाती है, अल्लाह ताला के गजब की मुस्तहिक हो जाती है। तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया था कि जो शख्स कुदरत के बावजूद बुराई से ना रोके तो इसको एक उन्हें मतलब बहुत बड़ा फरमाया, ये मैं पूरी हदीस पढ़ देती हूँ जो तिर्मिज़ी में भी है और मुस्नद अहमद में भी है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जरूर नेकी का हुक्म देना और बुराई से जरूर रोकना, वरना करीब है कि अल्लाह तुम सब पर अपना अज़ाब नाज़िल कर दे, फिर तुम जो दुआएं करोगे वो कबूल नहीं होंगी। और ये तो हदीस हम में से हर एक को मेरा ख्याल है याद ही होगी, जो मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद में भी, तिर्मिज़ी में भी, कि तुम में जो शख्स किसी बुराई को देखे तो चाहिए कि उसे अपने हाथ से बदल डाले, अगर उसकी ताकत ना रखता हो तो फिर अपनी जुबान से उसे बदलने की कोशिश करे, लेकिन अगर उसकी भी ताकत ना रखता हो तो फिर अपने दिल से उसे बदलने का इरादा करे और उससे नफरत करे, और यह ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। तो इसको अब हम देखते हैं कि इसके क्या असरात होते हैं। दरअसल बुराई करना या अल्लाह ताला के मनहियात को रवाज देना मुआशरे में, ये चीज इस बात पर दलालत करती है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म को हकीर समझते हैं, और गुनाह का इर्तिकाब लोगों के लिए बहुत ही मामूली बात है। अल्लाह ताला की ताजीम करते और उसके महारम की हदक पर गैर होते, जिन लोगों के साथ अल्लाह ताला नाराज हैं वो भी उनसे खामोश रहना और उस पर नकीर ना करना, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। तो ये इतनी बड़ी बात है कि इस पर पूरी कौम जो है वो सजा की मुस्तहिक हो जाती है, और दरअसल इसमें बड़े मफासिद हैं। कुछ मफासिद जो है वो मैं इस तफसीर में से आपको सुनाती हूँ। पहला ये कि बुराई पर सकूत इख्तियार करना बजाते खुद बुराई है, खास सकूत इख्तियार करने वाला खुद बुराई में मुलविस ना हो, इसलिए कि जिस तरह मासियत से इज्तनाब फर्ज है उसी तरह बुराई के मुर्तकिब पर नकीर करना जरूरी है। ये तो कहा है कि अगर तुम खामोश रहते हो एक महफिल में जहां गलत बातें हो रही हैं, अल्लाह ताला का इनकार हो रहा है, तो तुम भी उन्हीं में से हो। ये तो पहले भी कहा जा चुके हैं। गुनाहों को, दूसरी बात यह है कि गुनाहों को मामूली समझना और उनको ज्यादा अहमियत ना देना, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जो कि अल्लाह ताला की बारगाह में बंदे को मुजरिम बना देता है। इसी तरह फसाक व फुजार में कसरत से गुनाह की जुर्रत बढ़ जाती है, जब उनको गुनाहों से रोका ना जाए तो शर्म में इजाफा होता चला जाता है, दीनी और दुनियावी मसाइब बढ़ जाते हैं और शौकत व गलबा शरीर लोगों के हाथ में आ जाता है, अहले खैर कमजोर पड़ जाते हैं और फिर वो अहले शर का मुकाबला नहीं कर सकते, हत्ता कि उन्हें उतनी सी कुदरत भी हासिल नहीं रहती जितनी इब्तदा में थी, यानी वो कमजोर तरीन ईमान पर होते हुए तो अब उन्हें हिम्मत ही नहीं है, कुदरत ही नहीं है कि वो उस शर को रोक सके। फिर मजीद ये है कि मुनकर पर नकीर तर्क करने से इल्म मिट जाता है, जहालत बढ़ जाती है, क्योंकि जब मासियत बहुत से लोगों से बतकरार सादिर होती है और इस पर अहले इल्म और अहले दीन लोगों की तरफ से नकीर नहीं होती तो उसके बारे में गुमान गुजरता है कि ये मासियत कोई ऐसी इतनी बड़ी बात भी नहीं, बसा औकात जाहिल लोग उसे मुस्तहसन समझने लग जाते हैं। तो इससे बड़ी कौन सी बुराई हो सकती है कि किसी ऐसी चीज को हलाल करार दे दिया जाए जिसे अल्लाह ताला ने हराम ठहराया है, नफूस पर हकायक बदल जाए और उन्हें बातिल हक नजर आने लगे। फिर एक और बात यह है कि नाफरमान लोगों की मासियत पर सुकूत से बसा औकात मासियत लोगों के दिलों में मुजयन हो जाती है और बुराई में लोग एक दूसरे की पैरवी करने लग जाते हैं, इसलिए कि इंसान अपने गिरोह और अबनाए जिन्स की पैरवी का शैफ्ता होता है,
यानी आमतौर पे हम वही करना चाहते हैं जो हमारे गिर्द इर्द गिर्द ज्यादातर लोग कर रहे हैं, जिस चीज का फैशन चल पड़े। तो ये फिर यानी एक ऐसा फितना है कि यहाँ भी यही जिक्र, मतलब पिछली रुकू में भी ये जिक्र आ चुका है कि उनके रिब्बी और अखबार जो थे वो मुनकरात को उन्हें रोकते नहीं थे। तो यहाँ भी फिर ये कि ये सारा कुछ हुआ भी इसीलिए और अल्लाह ताला का गजब उन पर इसीलिए नाजिल हो रहा है कि ला यतनाहुना मुनकरिन फालू लबिस मा कानू यफ़अलून। बस ये हमें भी सोचना चाहिए, इसलिए कि पता नहीं, मुझे तो लगता है कि हम भी ईमान के बहुत कमजोर तरीन दर्जे पर फायज है और बुराई को, मतलब अब तो इतनी आम है कि अब वो बुराई लगती ही नहीं है। मसलन तस्वीर का ही मामला है, पहले तस्वीर कोई नजर आती और इतनी फोश ना भी होती तो वो लोग एकदम उस पर इतना शोर मचाते हैं कि उन लोगों को हटानी पड़ती। अब जो है वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स हैं और उस पर ऐसी बेहयाद तस्वीर आती हैं और अब हम चुप करके खामोशी से गुजर जाते हैं और उस पर कोई नकीर नहीं हो रही। तो इस पर सब की, मतलब पूरा मुआशरा जो है फिर अल्लाह ताला के अजाब की लपेट में आ जाता है। अल्लाह ताला हम पर मेहरबानी फरमाए और हमें हिम्मत और कुव्वत दे कि हम मुनकरात को रोकने वाले हों। तरा कसीर मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीना कफरू, आज आप उनमें से बकसरत ऐसे लोग देखते हो जो अहले ईमान के मुकाबला में कुफार की हिमायत और रफाकत करते हैं। उनको उनके यतवल्लौन अल्लज़ीना कफरू मवालात किसके साथ करते हैं? अब देखे ना, अहले किताब को तो चाहिए था कि उनका भी इल्हामी किताब पर यकीन है, तो वो देखते कि जो मुसलमान है यानी हम भी इल्हामी किताबों पर यकीन रखते हैं और उनकी किताबों पर यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं, उनके रसूलों पर भी ईमान लाते हैं, उनकी भी ताजीम करते हैं। उन्हें चाहिए था कि हमें अपने ज्यादा करीब समझते, यानी एक लॉजिकल बात तो यही लगती है ना कि भाई जो इल्हामी किताबों वाले हैं वो एक तरफ होते हैं और बुत परस्त दूसरी तरफ होते हैं। लेकिन आप देखें कि आज भी किस तरह, मतलब दोस्ती किसके साथ होती है? उन लोगों के साथ जो कि अहले ईमान के दुश्मन हैं, यानी वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लबिस मा कद्दमत लहुम अन्फुसुहुम अन सखितल्लाहु अलैहिम वफिल अज़ाबिहुम खालिदून, यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके नफ्सों ने उनके लिए की है, अल्लाह उन पर गजबनाक हो गया है और वो दायमी अजाब में मुब्तला होने वाले हैं। वफिल अज़ाब हुम खालिदून वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन नबी वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तखज़ूहुम औलिया वलाकिन कसीरुन मिनहुम फासिकून, और अगर ये फिलवाके ये लोग अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस चीज के मानने वाले होते जो उन पर नाजिल हुई थी तो वो कभी अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों को अपना रफीक ना बनाते। मत्तखज़ूहुम औलिया, वो कभी भी उनको अपना रफीक ना बनाते। वलाकिन्ना कसीर मिनहुम फासिकून, मगर उनमें से ज्यादातर तो अल्लाह की इताअत से निकल चुके हैं, फासिक हैं। लताजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूदा वल्लज़ीन अशरकू, और आप अहले ईमान की अदावत में सबसे ज्यादा सख्त यहूद और मुशरिकीन को पाओगे। वलताजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीन आमनुल लज़ीन क़ालू इन्ना नस्वारा, और ईमान लाने वालों के लिए दोस्ती में करीब तर उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ज़ालिका बि अन्ना मिन्हुम फिसीसीना व रुहबानम व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, और ऐसा इस वजह से कि उनमें इबादत गुजार आलिम और तारिकु दुनिया फकीर पाए जाते हैं और वो तकबर नहीं करते। अब यहाँ पर हमें बाज़ औक़ात ये ख्याल आता है कि ठीक है भाई, अल्लाह ताला ने हमें कुफार से तो तंबीह की है कि वो तो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते और यहूद भी नहीं हो सकते, चलें जी वो तो मान लेते हैं। लेकिन ईसाइयों के बारे में तो अल्लाह ताला ने खुद कह दिया ना कि वो ईमान वालों के साथ है,
दोस्ती में दोस्ती कर सकते हैं, मोहब्बत रखते हैं. मोहब्बत तो करीबी ताल्लुक होता है ना, दिल का ताल्लुक होता है, मोहब्बत वाला ताल्लुक होता है. तो यहाँ थोड़े जरा गौर फरमाएं तो मुझे तो ऐसा लगता है वो लोग कहाँ है जो कहते हैं कि ना नसवारा आज कोई है. ये तो ईसाई है ना, ईसाई तो ये नहीं कहते कि वो नसवारा है, और ना उनके अंदर वो सिफात है जो कि नसारा की सिफात थी कि वो अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले थे और अल्लाह ताला के मददगार अपने आप को कहते थे और अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते थे. तो आज के जो तो मुझे तो लगता है कि आज तो कोई नसारा में से है ही नहीं. तो जो आज के ईसाई हैं वो उनकी वही सिफात हैं जिनका पहले जिक्र आ चुका है ऊपर अहले किताब की कैटेगरी में उनके साथ शामिल करके अल्लाह ताला ने उनके बारे में जो कुछ फरमाया है. और बहरहाल आज भी अगर उनमें से कोई ऐसे हैं किसीसीन यानी इबादत गुजार आलम और तौरात और इंजील पर अमल करने वाले और रोहबान यहाँ पे सिर्फ वो लोग नहीं है जो उनके राहिब हैं और राहिबात हैं, बल्कि वो जो कि अल्लाह से डरने वाले हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, जो अल्लाह ताला के अहकाम को कबूल करते हैं और फिर आगे अल्लाह ताला अब उनकी सिफात बता रहे हैं. आज भी जो उनमें से ये सिफात अपने अंदर पैदा करेंगे वो जरूर ना सिर्फ ये कि अहले ईमान के साथ मवद्दत वाला रिश्ता रखेंगे बल्कि ईमान कबूल कर लेंगे. और ऐसी बेशुमार मिसालें हर दौर में जो हैं वो मिलती रही हैं. यहाँ पे अल्लाह ताला उनकी सिफ़त के तौर पे बता रहे हैं वَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, तर हो जाती हैं और वो बोल उठते हैं यकूलूना, एकदम वो कह उठते हैं रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन. ऐ हमारे रब हम ईमान ले आए और हमारा नाम भी गवाही देने वालों में लिख दे. वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक्की वनतबाउ अन युदखिलना रब्बना मअल कौमिस सालिहीन. और वो कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं और जो हक हमारे पास आया है उसे क्यों ना मान लें, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें सालिह लोगों में शामिल कर दे. फअसाबहुमुल्लाहु बिमा कालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन. तो जो इस तर्ज अमल का मज़ाहिरा करते हैं तो उनके इस कौल की वजह से, उनके इस तर्ज अमल की वजह से अल्लाह ताला उनको ऐसी जन्नतें अता फरमाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे. ये बदला है नेक रवैया या एहसान का दर्जा, एहसान का रवैया अख्तियार करने वाले लोगों के लिए. वल्लज़ीना काफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम. अब वो यहूद हों या नसारा हों, जो मर्जी वो अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने इनकार किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया, अल्लाह ताला के अहकाम को झुटलाया, तो उलाइका अस्हाबुल जहीम, तो वो अस्हाबुल जहीम है. वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह.